आज हम बनाते हैं आलू के गुटके, वो भी ना हम इनको छिलेंगे और ना ही हम इनको उबालेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यहाँ के मार्केट में आजकल ये लाल आलू आने लग गए हैं, तो आज हम बनाते हैं इन्हीं आलूओं से आलू के गुटके। ना तो हम इन आलूओं को उबालेंगे और ना ही इनको हम छिलेंगे, हम इनको व्रत के लिए बनाएंगे। ये लाल आलू बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को काट लेंगे। हमें इतने ही टुकड़े बनाने हैं इन आलूओं के। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच जीरा और ये 1/2 चम्मच हमारा अजवाइन। अब हम इसमें अपने काटे हुए आलू डाल देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, ये सेंधा नमक है, और हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्ची का पाउडर, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम देखते हैं हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। देखिए, ये हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर खाते हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप करें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारे आलू के गुटके बनके रेडी हैं। आप इनको व्रत में खाएं, वैसे खाएं, पूरी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, कैसे भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा ऊपर से धनिया डालेंगे। हमने आलूओं के गुटकों को सर्व कर दिया है। ना हमने इन आलूओं को छिला है और ना ही हमने इनको उबाला है, फिर भी हमारे आलू बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं। और कौन कहेगा इनको हमने छिकलों के साथ बनाया है, ना छिलना और ना उबालना, बस बहुत ही कम मसालों में बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको बनाया है। सो फ्रेंड्स, इसको खाएं आप। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, ताकि मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूं।